हेलो एंड वेलकम टू द बीना डिकोड्स। ये शब्द मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि बीच में जो भी वीडियोस गए उसमें जो भी रियल टाइम में घटना घटी मैं वैसे के वैसे ही दिखाई। और वेलकम और टेक केयर और सब्सक्राइब और शेयर, ये सारी बातें तो मैं कह नहीं पाई थी, बट मुझे पता है आप लोगों ने दिल से इतनी सारी दुआएं दी, इतना प्यार दिया, बहुत लोगों ने इन वीडियो से इतनी हिम्मत पाई। आई फेल्ट सो गुड। मेरा जो वो पूरा जर्नी को कैप्चर करने का जो मकसद था कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सडनली सिचुएशंस हमारे हाथ के कंट्रोल के बाहर चला जाता है और हमें समझ में भी आता है, लेकिन उस टाइम पे पैनिक करके हे भगवान क्या होगा क्या होगा क्या होगा और अपने आप को लूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। टेक योर कूल, उस सिचुएशन को अपने साथ साथ जाने दीजिए और देखेंगे कि सब धीरे धीरे वापस से जगह पे आ जाएगा। एंड वो वीडियो तो गया, हॉस्पिटल का जर्नी, ये वो, घर आना तक आप लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा आज ये वीडियो में मैं बताऊंगी हाउ माय रिकवरी इज़ दिस टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने लिखा कि सी सेक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और डेफिनेटली इट इज़ डिफ़िकल्ट दैन नॉर्मल दिस थिंग, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद इंसान एक डेढ़ दिन में अपने पाँव में खड़े हो जाते हैं और देर इज़ नो बैकलॉग। और यहाँ पे क्योंकि इतने सारे लेयर ऑफ मसल्स, टिश्यूज, यूटरस, स्किन, सब कुछ काटते हैं, उसको एक एक करके लेयर सिलते हैं, तो अगले दिन से तो ऐसा लगता है अंदर पूरा झिंझुड़ गया है। और उस सिचुएशन में हम किस तरीके से क्विकली गेट बैक कर सकते हैं इनटू आवर नॉर्मल ज़िंदगी, मेरा वीडियो यही है। आज एक्चुअली 2 हफ्ता हो चुका है आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर नीनूड़ी इज़ बॉर्न, अभी तक उसका यही नाम है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई नाम सिलेक्ट नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। आज तो एक्चुअली मैं वॉक भी करने गई थी नीचे थोड़ी देर के लिए, बहुत ही थोड़ी देर के लिए, बट सिर्फ मेंटली मैंने वॉक किया कि आई एम फीलिंग गुड, ये सोच के बिल्कुल जल्दी जल्दी वॉक नहीं किया और बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस नहीं दिया, थोड़ा ही वॉक किया करके मैं ऊपर आई, बट आई एम जेन्युइनली फीलिंग गुड। सी सेक्शन से भी डरने वाली कोई बात है नहीं। तो अगर आपका सिचुएशन ऐसा हो कि आप सी सेक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़े दिन लगता है, एक दिन के बदले में 3 दिन लगता है, लेकिन वापस से बॉडी एडजस्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि जिस दिन ऑब्वियसली ऑपरेशन हुआ था उस दिन मैं पूरे दिन रात लेटी हुई थी, रात तक मैं करवट बदलने भी लग गई थी ताकि अगले दिन मुझे खड़ा होना है, मुझे अपने पाँव पे थोड़ा वॉक करना है, मुझे एकदम दिमाग में था तो मैं करवट बदलने लग गई। एंड डेफिनेटली हर्ट हो रहा था बट इतना नहीं कि मर जाऊं। अगले दिन डॉक्टर ने आके बस पूछा कि गैस पास हुआ कि नहीं, जो कि हो चुका था। उसके बाद फिजियो आके मुझे वॉक करा दिया उन्होंने। मैंने एक चीज़ नर्स का जो दिमाग में रख लिया और जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत फास्ट जो रिकवर कर पाई वो था कि नर्स ने कहा कि आप झुक के मत खड़े रहो, क्योंकि झुका हुआ सिचुएशन तक ही आप खड़े हो पा रहे थे। बोला बस उसको क्रॉस करके एकदम स्ट्रेट हो जाओ, देखना दर्द नहीं होगा। तो मैं एकदम खड़ी हुई थी वहाँ से, एकदम जब स्ट्रेट हो गई उतना दर्द नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं वॉक भी करी, मैं बैठी भी आहिस्ता आहिस्ता, एक्चुअली मैं स्ट्रेट हो के ही चल रही थी और मोस्टली मैं चलने फिरने लग गई। अभी कमिंग टू अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जब आपने देखा कि बेबी हुई और उसको लेके चले गए थे NICU में और मैं चली गई थी रिकवरी रूम में, तो मैं एक्चुअली इस बार भी प्रिपेयर्ड थी कि मेरी बेबी फार्मूला ही पिएगी। तो आपने वीडियो में क्लिप देखा होगा जहाँ पे गुरमीत मुझे पूछ रहे थे कि यही है ना दूध, क्योंकि वो लोग मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं NICU से। तो मैंने बोला हाँ, वो मैं हिप का बॉक्स लेकर गई थी इन द ऑपरेशन थिएटर।
बट आई थिंक इट इज़ वॉट कॉल आई डोंट नो. इन द रिकवरी रूम नर्स लोगों ने ट्राई किया एंड आई स्टार्टेड लैक्टेटिंग एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट आई कैन से. तीन दिन का जो फर्स्ट जो लैक्टेशन होता है उसको दूध नहीं बोलते, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं एंड दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ इम्यूनिटी फॉर योर चाइल्ड. और वो अगर आप बेबी को दे सकते हो तो आपकी बेबी मतलब ज़िंदगी भर के लिए इम्यून हो जाते हैं और कठिन सिचुएशन से भी निकल के आ जाता है. एंड आई थिंक इट वॉज गॉड्स कॉल एंड द कोलेस्ट्रम स्टार्टेड कमिंग आउट, जो उन लोगों ने सीरिंज से लिया और बेबी को जाके दिया. एंड आई एम फीलिंग सो वंडरफुल कि इस बार मैं वो सब कुछ कर पाई और मैं अपने बेबी को दूध पहुँचा पाई जहाँ पर ज़रूरत थी. बेबी को थोड़ा थोड़ा दिन में हम लोग फॉर्मूला भी पिला रहे हैं कि कल को ऐसा कभी कोई सिचुएशन आए तो फॉर्मूला भी पीने की आदत रहे. आई समहाउ फील दैट लियाना इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी ड्रिंकिंग फार्मूला, सो देर इज़ नथिंग, मतलब कोई दिमाग में वहम नहीं है कि फार्मूला बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए या ब्रेस्ट मिल्क अगर कम हो तो आसमान टूट पड़े सर से. सो आई हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ. अभी रिकवरी के फेज़ में आती हूँ. वहाँ पे ऐसा है कि 5 दिन ऑब्वियसली आई वॉज ऑन एंटीबायोटिक, आई वॉज ऑन पेन किलर एंड एंटासिड. 5 दिन के बाद पेन किलर और एंटीबायोटिक बंद हो गया. उसके बाद 2-3 दवाई मैं अभी बस कंटिन्यू कर रही हूँ. बोला कि जब तक आप ब्रेस्ट फीड करोगे तब तक ये लेते रहना ज़रूरी है. उनमें से एक है ये आयरन का टैबलेट, दूसरा है कैल्शियम का टैबलेट. और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आई वॉज हैविंग दीज, बाय द वे हर एक इंसान जानते हैं पीपल हु आर प्रेग्नेंट कि ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी आयरन और कैल्शियम मस्ट है. आयरन और कैल्शियम इसीलिए लेने को बोला क्योंकि ऑब्वियसली सी सेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो आयरन लेते रहना ज़रूरी है, बॉडी में ब्लड पैदा होगा. और कैल्शियम इसीलिए क्योंकि आई एम ब्रेस्ट फीडिंग, कैल्शियम का जो सप्लाई है इन माई बॉडी वो रिप्लेनिश करने के लिए मेरी हड्डियों से कैल्शियम खींच जाएगा तो उसलिए मेरी हड्डी वीक हो जाएगी, इसीलिए कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग प्लीज़ रिमेंबर हैव कैल्शियम. और एक सप्लीमेंट जो मैं ले रही हूँ वो है फिश ऑयल, जिसको ओमेगा 3 भी बोलते हैं. ओमेगा 3 भी लेना बहुत ज़रूरी है. ओमेगा 3 में है DHA जो माँ के दूध के साथ बच्चे तक पहुँचता है, वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और आई डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ऑल्सो ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो ओवरऑल हेल्थ, स्किन का हेल्थ, हेयर का हेल्थ, क्योंकि यू नो पोस्टपार्टम जो रिकवरी होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग कंप्लेन करते वो है कि बाल झड़ जाना. और टचवुड मेरा बाल नहीं झड़ा. मेरी सिस्टर इन लॉ आके मुझे पूछी कि आपके बाल झड़ रहे हैं, मैंने कहा नहीं अभी तक तो नहीं. तो आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस. ये जो फैटी एसिड्स है ये हमारी रेगुलर डाइट से मिल नहीं पाता है, इसीलिए इसको सप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. इससे बाल झड़ना कम तो होगा ही, उसके अलावा नया हेयर ग्रोथ भी होगा, बाल हेल्दी भी दिखेंगे. क्योंकि ये जो फैटी एसिड है ओमेगा 3 में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और हेयर फॉलिकल को नरिश करता है, तो ओवरऑल बालों का जो हेल्थ है वो अच्छा होता है, बाल नरिश्ड दिखता है और बाल अच्छे भी हो जाते हैं. प्लस ये स्किन के लिए भी अच्छा है, तो स्किन में जो प्रीमेच्योर एजिंग होता है, रिंकल्स होता है, फाइन लाइन्स होता है, मिलाज्मा होता है, मतलब स्किन में जो जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक ड्राई स्किन, यहाँ जो से करके फाइन लाइन्स जो भी होता है जिसको क्रोज फीट बोलते हैं, सब कुछ को कम करता है क्योंकि स्किन को भी बहुत नरिश करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है. जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो मैं ले रही हूँ, वो एनवेदा का ओमेगा 3 फिश ऑयल. इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन GMP अप्रूव्ड फैसिलिटी. इसका प्राइस है 345 रुपीज़ फॉर अ बॉटल ऑफ 60 सॉफ्ट जेल. ये लेना बिल्कुल सेफ है और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है. और देखा जाए तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में 20,000 के ऊपर इसके पॉजिटिव रेटिंग्स मैंने पढ़ा, तो मैंने ये वाला ख़रीदा. ऑल्सो इसे लेने से एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी कम होता है. नॉर्मली भी इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी और डिप्रेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैटी एसिड. और हमारी ब्रेन को इस तरीके का फैटी एसिड ज़रूरी है टू यू नो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग और डिप्रेशन कम करने के लिए. और एक चीज़ जो कहा जाता है, यू नो
पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज लोगों को लगता है ये क्या चीज़ है, मतलब इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ज़रूर मानती हूँ। बच्चा हो जाने के बाद लोग बच्चे को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, सारे पूरे परिवार बच्चे के ऊपर गिर पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, और सब लोग वो क्यूट 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 बच्चे को देख के करने लग जाते हैं क्यूट, या मतलब बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है देखना, मेरी बेबी को तो इस वक्त बहुत केयर की ज़रूरत है। माँ के बारे में सोचना लोग भूल जाते हैं, तो माँ को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है, बट ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल भी बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि ये जो सॉफ्ट जेल है, दिन में एक या दो आप पानी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, और इसका जो फ़ायदा है वो तो मैंने बता ही दिया, और इसका जो परचेज़ लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एनविदा का जो लिंक है वहाँ पे टैप करने से आपको और भी अलग अलग हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स देखने को मिलेगा, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर। शावर तो मैं हॉस्पिटल से ही ले रही थी, बिकॉज आई थिंक थर्ड डे या फोर्थ डे जो ड्रेसिंग था मोटा सा वो हटा के वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगा दिया था, और 10 दिन के बाद मतलब 2-3 दिन पहले मुझे हॉस्पिटल में बुलाया, डॉक्टर ने वो वाली ड्रेसिंग भी हटा दिया, और नाउ आई कैन सी द जॉइंट, उसमें कोई स्टिच का दाग नहीं है, ऐसा लगता है बस एक कट हो गया है। मेरा कट थोड़ा सा लंबा है, काफ़ी इतना सारा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जब हाथ डाला था तो नीनूड़ी दिखी नहीं, तो वो लोग ढूंढ रहे थे डॉक्टर, तो उनको थोड़ा सा और लंबा कट करना पड़ा ताकि बच्चे हाथ में आ जाए, और फिर उनको बच्चे को पेट में घुमा के फिर पाँव निकाला, जैसे भी हो आप लोगों को पता ही है वो सारी चीज़ें, तो इसलिए मेरा कट थोड़ा लंबा है। थैंक गॉड कि इसी मतलब हॉराइजेंटली लंबा है, वर्टिकल नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में जो मेरे साथ हुआ था, ऐसे सिचुएशन में जब बच्चा मतलब मिलता नहीं है पेट में हाथ डाल के भी, तो उस सिचुएशन में ऐसा कभी कभी कॉल लिया जाता है कि हॉराइजेंटली कट तो किया ही है, वर्टिकल कट करके बुक जैसे खोल के बच्चे फटाफट निकाल लेते हैं, और डॉक्टर वो भी बहुत कूल मुझे लगते, मतलब कोई भी सिचुएशन में वो हाइपर नहीं हो जाते हैं, हमेशा कोई बात नहीं तुम ठीक हो, उन्होंने खुद ही अपने आप को मतलब आराम से ऐसे ऐसे सर हिलाते हिलाते देखा कि उन्होंने, बाद में मैंने वीडियो में देखा कि वो ऐसे ऐसे करते करते ढूंढ के निकाल ही लिया, और मेरे पेट में वर्टिकल कट नहीं मारा, नहीं तो ऐसा टी जैसे कट लेके मैं घूमती रहती। बट जो होता है, अगर एंडिंग अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। आज जब मैं नीनूड़ी का फेस देखती हूँ, मैं क्या ही नाम बोल रही हूँ, पीनूड़ी नीनूड़ी, बट आई नो आई कैन टॉक लाइक दिस टू दिस कम्युनिटी दैट आई हैव, ऑल यू ब्यूटिफुल मदर्स जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी मैसेजेस भेजते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका मैसेजेस पढ़ना, और इसीलिए आप लोगों के साथ इस तरीके से बैठ के बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि जब आप अपने बच्चे का फेस देखते हो, सब कुछ लगता है इट इज़ वर्थ इट, इट इज़ जस्ट सो वर्थ इट। और जो लोग बोल रहे हैं कि दोनों बच्चे को ध्यान देना पड़ता है एंड ऑल, ओ गॉड इट इज़ अ टास्क, आई विल टेल यू, मतलब इट्स नॉट ईजी। आज भी जो मैं शूट करने बैठने जा रही थी, अब जाके मुझे मौका मिला, क्योंकि अब दोनों बच्चियाँ मेरी सो गई, इट्स नॉट ईजी। एक बच्चे को ही बड़ा करने के लिए पूरा घर लगता है, और मुझे तो ऐसा लगता है पूरा संसार लग रहा है, बट मम्मी के अलावा राइट नाउ आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ हेल्प, और मैं, मम्मी, गुरमीत, मेरे पापा सब मिलके ही कर रहे हैं। इनफैक्ट जब दोस्त आ जाते हैं वो भी थोड़ा सा हाथ बटा लेते हैं। जब आप अपनी बच्ची को हंसते हुए देखते हो, मतलब लियाना को स्पेशली, मैं जब उसका फेस देखती हूँ मेरा सब थकावट निकल जाता है। मैं रात भर आजकल जाग रही हूँ, क्योंकि नीनूड़ी वो दूध पीती है, और जब तक वो जूजू नहीं पिएगी उसको नींद नहीं आती है, मेरे रात भर मतलब मैं जगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं फ्रेश फील करती हूँ। जब भी मैं उसका फेस देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड इतना स्ट्रगल करके वो आई, और मुझे एक चीज़ लगता है कि कोई खर्चा नहीं कराया। बहुत फनी चीज़ है, लियाना के पीछे इतने सालों का हमारा मशक्कत तपस्या चल रहा था उसको लाने के लिए, और इतना सारा ट्रीटमेंट, इतना एक्सपेंडिचर, इतना मतलब खर्चा खर्चा खर्चा,
और ये एकदम खुद ही खुद आई, खुद ही पैदा हो गई। उसके लिए मैं फॉर्मूला भी खरीद के रखी थी, लेकिन मैं जुजू भी पीती है और आराम से, मतलब वो साथ में घुल मिल के बस बड़ी हो जा रही है। एंड बच्चे इतने फास्ट बड़े हो जाते हैं। आज ही मैं और गुरु एक लियाना का बचपन का एक वीडियो देख रहे थे और हम दोनों रोने लग गए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो, बच्चे का ग्रोइंग अप इज़ लाइक होल्डिंग सैंड इन योर हैंड। आप जितना मतलब कोशिश करते हो कि इस मोमेंट को आप जियो, उतना फास्ट वो बड़े हो जाते हैं। आप बस उन लोगों का बड़े होना स्टॉप ही नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज़ लाइफ आई थिंक। और हमारी एजिंग कहीं ना कहीं, आई मीन आफ्टर 20s यू फील कि समय थम सा गया है, आप एक ही जैसे हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट बच्चे इतने फास्ट बड़े होते हैं, इट्स नॉट इवन फनी। उन लोगों का दो चार दिन, एक महीना पुराना फोटो भी देखती हूँ, लगता है हाय बड़ी हो गई लिया ना। तो ये है ओवरऑल मेरा मेंटल सिचुएशन, मेरा सब कुछ जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, दिल खोल के बात किया। और एक चीज़, कमर में मैं ये बेल्ट नहीं लगा रही हूँ, ये बेल्ट पतला नहीं करता है, दैट्स द रियल थिंग। और यूटरस को होल्ड करने के लिए बेल्ट बांधते हैं, बट आई थिंक कि मैं धीरे 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 चल रही हूँ, मैं कुछ जंप वंप तो कर नहीं रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये बेल्ट यूजुअली नहीं बांधती हूँ। एक आधी बार लगाया है इस बेल्ट को, अदरवाइज मेरा पेट ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम हो जा रहा है। और इस बार जो स्पेशल चीज़ है वो है कि बोलते कि जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उससे यूटरस ज़्यादा जल्दी श्रिंक हो जाता है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली जब मैं घर आई थी फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो पेट काफ़ी बड़ा था। और ये अभी का फ़ोटो है जहाँ पे पेट आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो गया है। और 6 वीक के बाद से तो मैं वर्कआउट भी प्रॉपरली स्टार्ट कर दूँगी और ये पेट पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। एंड इट्स अ प्रोसेस, इस प्रोसेस को इन्जॉय करना भी एक प्रोसेस है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाय मेरा बॉडी ख़राब हो गया, मैं मोटी हो गई, कोई बात नहीं, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, काफ़ी गप्पे मार लिए और सोच रही हूँ एक दिन लाइव आती हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो मुझे लिखिए कि आप चाहते हैं कि नहीं लाइव आना, और कुछ क्वेश्चंस भेजिए जो हम डिस्कस कर सकते हैं विथ ऑल यू ब्यूटिफुल मॉम्स। और तब तक जा रही हूँ बेबीज़ के पास, बेबीज़ का ध्यान रखने के लिए, नहीं तो मम्मी के तो बाल सारे उखाड़ ही लेते हैं दोनों अगर जग गए तो, पर फिलहाल दोनों सो रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। फिर बोल रही हूँ आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द बीना डी कोड्स।